तो गाइस यहाँ पे भीड़ देखो, अभी कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। ऐसे रास्ते से हो के आपको गुजरना पड़ेगा। तो कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो, अभी देखो मैं पहुंच चुका हूँ जंगल के झाड़ियों में। आप देख सकते हो चारों तरफ है और ये बीच में जंगल के झाड़ियों में छुपी हुई बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग पॉइंट, वाटरफॉल, झरने, बहुत ही कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये जगह कौन सी है, कैसे आना, आपको लोकेशन क्या है, आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा। तो वीडियो को अगर अभी देखना स्टार्ट ही किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये लोकेशन मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वाटरफॉल, झरने हैं, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमेशा भरी रहती है। आगे वीडियो में सारे डिटेल्स मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे भीड़ देखो, अभी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, चलना मुश्किल है। मैं पीछे आप तो भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, मैं ठीक से चल नहीं खाली। तो गाइस भीड़ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। और यहाँ से एक शॉर्टकट था, ऐसे लोग पब्लिक निकल रही थी, बट वहाँ पे जिनका शायद वहाँ पे खेत वगैरह रहेगा वो मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी पब्लिक रुकी है, बाकी रास्ता चारों तरफ से ब्लॉक है, पब्लिक भरी पड़ी हुई है। देखो हम लोग आगे कैसे निकलते हैं, आप लोग को वीडियो में आगे पता चलता रहेगा। बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा राहत मिला है, अभी भीड़ थोड़ा कम हुई, हम लोग आगे निकले हैं। और अभी का यहाँ का सीन मैं आप सबको दिखाता हूँ, किस तरह का सीन है यहाँ पे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अभी हम लोग मेन लोकेशन पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे पहुँचना था, अभी जस्ट रास्ते में ही हम लोग। सो गाइस बहुत मुश्किल से क्रॉस किए हैं जो बीच में जाम लगा हुआ था, और अभी जाके थोड़ा आगे निकले हम लोग। और यहाँ पे भी पब्लिक इंजॉय कर रही है, हम लोग ये रास्ते से होके आए हैं और ये साइड जाने, इधर पीछे के साइड आप देख सकते हो पीछे पब्लिक, पानी मुझे बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है, कुछ मैला साइड दिख रहा है, बट यहाँ से होके आ रही पब्लिक। सो वीडियो पे बने रहना, आगे आपको मिलने वाला है जो मेन लोकेशन, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी एग्जैक्ट लोकेशन पहुँचे नहीं। तो गाइज यहाँ पे टिकट ले लिए हैं और यहाँ का जो टिकट का चार्ज 53 रुपये पर हेड है यहाँ पे टिकट का चार्ज। क्या बोलते भाई, मस्त भाई, एक नंबर। ऐसे रास्ते से होके आपको गुजरना पड़ेगा, देख सकते हो पानी में हल्के जाना पड़ रहा है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. तो अराउंड 3 किलोमीटर हो चुका है हम लोग को निकले। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की कुछ गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, बाय वॉकिंग आपको जाना पड़ेगा ऊपर। अभी हम लोग उधर साइड जाने वाले हैं, वो साइड, और इधर साइड से होके आ रहे हैं। अराउंड 3 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, बाय वॉकिंग ही जा रहे हैं। तो गाइज हमें यहाँ पे अभी मिले हैं छोटे ब्लॉगर हमारे परवीर साहब, मुझे बोले हैं मुझे भी बड़ा होके ब्लॉगर बनना है। तो क्या कहना चाहोगे बताओ मेरे ऑडियंस को तुम? मैं कहना चाहूंगा मैं बड़ा होके अपने देश का नाम रोशन करूंगा। और लाइक करो, कमेंट करो, भैया को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। हमारे साथ है अभी नारायण भाई, कैसा लग रहा है भाई? अरे एकदम है ना, मजे मजे फटी की नहीं, बहुत ज़्यादा फट गई। चप्पल चप्पल गलत मत सोचना भाई। तो यहाँ पे आप तुंगेश्वर गेट से थोड़ा सा ऊपर आप आओगे, अराउंड 2 किलोमीटर, तो आपको बीच में एक छोटा सा और ऐसा झरना मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे भरी पड़ी हुई है दोनों साइड, वो साइड भी और वो इधर साइड गलियारे में, अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक है। अंदर जाके धीरे धीरे से करके
अंदर में पब्लिक भरी पड़ी हुई है, शायद कहीं मेरे में पीछे का सीन ना आ रहा हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक इतनी सारी भरी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो गाइस अराउंड 4 किलोमीटर हो गया हम लोग बाय वॉकिंग चलते हुए, अभी बहुत ही ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं हम लोग। उधर साइड से आप देखोगे तो पहाड़ी कितना ज़्यादा दिख रहा है, उतने हाइट पे हम लोग आ चुके हैं। मेन लोकेशन पे अभी पहुंचने वाले हैं हम लोग, वीडियो भी बने रहो। एक लाइन में आओगे, यही लाइन है, ये वाली लाइन नहीं है। इधर देखो मैं कर रहा हूं, ए इधर आ इधर आ। फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं तुंगेश्वर मंदिर जो यहां पे है, वो पीछे जो नीचे दिख रहा है आपको वो है तुंगेश्वर मंदिर। और यहां पे रोज रास्ता था, यहां से होके जाने पड़ते हैं जो तुंगेश्वर वाटरफॉल है, बट रास्ता बंद है, बैरिकेडिंग लगा हुआ है, तो आगे से हम लोग होके जाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का है यहां पे, मैं एक बार बैक कैमरे से यहां पे चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूं आप सबको। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, ये जगह का नाम है तुंगेश्वर, तुंगेश्वर वाटरफॉल। इसका जो मेन झरना है बहुत बड़ा वाला झरना, वो अभी बंद किए हुए हैं, आई डोंट नो किस रीजन से बंद किया हुआ, बट अभी वो बंद पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविटी आप कर सकते हो, लाइक पैदल वॉकिंग जो भी होता है, और छोटे छोटे ऐसे झरने आपको बीच बीच में बहुत सारे मिल जाएंगे। और बीच में होटल भी है, एक बहुत बड़ा तुंगेश्वर करके मंदिर भी है जो पहाड़ियों के बीच में छुपा हुआ, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। और ये छोटे से झरने हैं और इसके बीच बीच में होके काफ़ी अंदर तक गया है, हर जगह पर पब्लिक खचाखच भरी हुई है। तो गाइस कुछ ऐसा रास्ता है, यहाँ से आप चल के जाओगे पहाड़ियों से, हम लोग अराउंड 6 किलोमीटर तो आ ही चुके होंगे ऊपर। आगे झरने भी है, इस साइड साइड में भी झरने हैं बहुत सारे। यहाँ पे आप कभी भी आते हो तो मेक से और आप स्लीपर पहन के मत आना, वरना परेशान हो जाओगे बहुत ही ज़्यादा। ये रास्ता बहुत ही पीछा टाइप रास्ता और छोटे छोटे पत्थर, तो कभी भी स्लीपर पहन कर मत आना। और ये वसई स्टेशन से अराउंड 7 to 8 किलोमीटर है, मैं लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन डाल दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आपको रास्ता मिल जाएगा कैसे आपको जाना है एग्जैक्टली। ग्रुप के साथ आओगे काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलेगा, तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली का, टेक केयर एंड बाय बाय।